LMIA, which is Labor Market Impact Assessment. ये एक ऐसा वर्ड है कि जो हम दूसरे तीसरे क्लाइंट से आपको सुनने को मिलता है, जो लोग कनाडा आना चाहते हैं लेकिन उनकी रिक्वायरमेंट्स पूरी नहीं होती, और स्पेशली जो लोग आइल्स नहीं कर पाते वो आपको जरूर ये पूछते हैं कि जी हमें LMIA के बारे में बताएं। जब वो ये कहते हैं तो उनका मकसद ये होता है कि वो कोई पेड जॉब ऑफर देख रहे होते हैं, लेकिन विच इज इलीगल। कनाडा आपको अगर तो कैनेडियन एम्प्लॉयर जॉब ऑफर दे रहा है विदाउट मनी तो दैट इज एक्सेप्टेड इन कनाडा, एंड इफ दे आर आस्किंग यू, इफ दे आर डिमांडिंग यू अ ह्यूज सम ऑफ मनी दैट इज इलीगल इन कनाडा, तो उन उस चीज से आपको बचना चाहिए। तो एक तो ये इलीगल है और दूसरा बहुत एक्सपेंसिव है। तो अब बात करें कि LMIA का अल्टरनेटिव क्या है, तो इसका अल्टरनेट काफी सारे अल्टरनेटिव हैं। एक जो मैं अक्सर अपने पहले भी आपको वीडियोस में बताता रहा हूं पिछले 2-3 साल से, वो मैं आपको बताता हूं, विच इज RNIP। RNIP स्टैंड्स फॉर रूरल नॉर्दर्न इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। ये हर प्रोविंस के अंडर है, और आप प्रोविंशियल वेबसाइट पर जाएं, RNIP टाइप करें, आपको कम्युनिटीज मिल जाएंगी। इसका बेसिक मकसद ये है कि कैनेडियन गवर्नमेंट जो है वो इमिग्रेशन के जो इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं उनको स्मॉलर कम्युनिटीज की तरफ भी लेकर जाना चाहती है, और दूसरा उन कम्युनिटीज के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं उनको बूस्ट देना चाहते हैं और वहां पर डाइवर्सिटी को भी लेकर आना चाहते हैं। तो आप RNIP को कंसिडर कर सकते हैं। अब इसकी क्विक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप यहाँ तो वहां पे स्टडी करें, एक प्रोग्राम आपने कोई ले लिया जो आपने स्टडी पूरी की वहां पे, उसके बाद आप वर्क परमिट में चले गए या आपको डायरेक्ट जॉब मिल जाती है। तो वन ईयर इन लास्ट 3 ईयर्स, अगर आपका 1 ईयर कम्युलेटिव वर्क एक्सपीरियंस है लास्ट 3 ईयर्स में किसी भी RNIP कम्युनिटी के अंदर, तो वो आपको एलिजिबल करा देता है अप्लाई करने के लिए अंडर दैट स्ट्रीम। फिर आपको कम्युनिटी की तरफ से सपोर्ट लेटर मिलता है जो आप लेकर अप्लाई करते हैं, और इस तरह से आपके पॉइंट्स जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं एंड इवेंचुअली यू गेट योर PR। और ये एक अल्टरनेटिव वे है LMIA को अवॉइड करने का। तो आई होप के we have learned something new today. So for further information, you can contact us at futuregenimmigration@gmail.com, and you can may visit our website futuregen.ca. Thank you.